हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे कप में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का एकदम ऑपरेशन जारी है। आपको मैं बताता चलूँ, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे जब से पीएमसीई स्टॉक मुतालिका पीएमसी का चार्ज संभालते ही शहर के अंदर एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है डीएमसी एनफोर्समेंट की जानेब से। सिंध गवर्नमेंट की जानेब से नालों की सफाई तो की नहीं जा रही, दिखावे के तौर के ऊपर रोडों के ऊपर एनफोर्समेंट कराया जा रहा है। अफसोस सद अफसोस, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे डीसी शहर के अंदर मुख्तलिफ यूसीओ के अंदर जो इलाके नालों के अंदर डूबे हुए उनसे अभी तक निकासी आपका सिलसिला खत्म नहीं किया जा सकता, मगर शहर के अंदर मौजूद ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें गरीब आवाम को मुतासिर किया जा रहा है। ये डीएमसी ईस्ट के डीसी मोहम्मद अली शाह जो बदनामे जमाना डीसी है जो मलिर से ट्रांसफर होकर ईस्ट के अंदर अपॉइंट हुए थे उनसे अभी तक कोई भी नाले की सफाई नहीं कराई गई, मगर गरीब आवाम को दुख देने के लिए तमाम अमला मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट सिर्फ बदमनी की बुनियाद पर रखी हुई है, गरीब आवाम को तंग कर रही है, किसी किस्म का रिलीफ देने से गुरेजा है। हमारी गुजारिश है अरबाब इख्तदार से वफाक से कि इसके ऊपर फौरी एक्शन लें और जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इंक्रोचमेंट नालों के ऊपर ख़त्म की जाए उसके ऊपर काम किया जाए, ना कि ये किया जाए कि आवाम को तंग करके इंक्रोचमेंट रात में दुकानों और पतारों की तरफ किया जाए। नालों के ऊपर ऑपरेशन करके जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करें ताकि शहर डूबने से बच सके, लोगों के घरों में पानी आने से बच सके।